इसमें अभी हमारा ऑफर चल रहा है फेस्टिवल को देखते हुए, अभी आप सिर्फ 10,000 डाउन पेमेंट करके ले जा सकते, गाड़ी ले जा सकते हैं। अभी फेस्टिवल को देखते हुए हमारा लो डाउन पेमेंट का स्कीम चल रहा है, इसमें अगर आप 20,000 भी डाउन पेमेंट करते हैं तो आप गाड़ी घर ले जा सकते हैं। इसमें अगर आप 40,000 दे रहे हैं तो भी आपको गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी। इसमें आपको कम से कम 60,000 डाउन पेमेंट करना होगा, इसमें 60,000 लग जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए न्यू CNG ऑटो का वीडियो लेकर के आए हैं और आज आए हुए हैं प्रेमसंस बजाज में, क्योंकि यहाँ का जब हम लास्ट वीडियो बनाए थे तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या प्राइस है, क्या डाउन पेमेंट होगा, और सबसे ज़्यादा जो कमेंट में पूछ रहे थे वो ये पूछ रहे थे कि यहाँ का एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को एड्रेस बता देते हैं कि ये मेन रोड है, सामने में सुजाता चौक है, आप देख सकते हैं। और अगर आप अपोजिट साइड देखेंगे यहाँ पे तो आपको वुडलैंड का शोरूम और लिवाइस का मिल जाएगा शोरूम, बगल में HDFC का बैंक है। तो ये मेन रोड में है और सुजाता चौक में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि इस फेस्टिवल सीज़न में क्या ऑफ़र मिल रहा है CNG ऑटो में, और पेपर कंप्लीट करके मिलेगा कि नहीं, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगा, क्या EMI आएगा, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो आइए सबसे पहले मैम से मिलते हैं और यहाँ जो भी CNG ऑटो लगा हुआ है उसका आप लोगों को डिटेल बताते हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छे हैं। और मैम ये बताइए कि यहाँ का लास्ट वीडियो शूट किए थे तो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाया था। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि यहाँ का आप अपना शोरूम का एड्रेस बता दीजिए। ये हमारा मेन रोड में पड़ता है, मेन रोड सुजाता चौक रांची में। आप अगर हैं रांची के हैं तो आपको सुजाता चौक जो हमारा लोकेशन है ये आप अगर सर्च भी करेंगे या किन्हीं को भी बताएंगे तो आपको सुजाता चौक ईजिली मिल जाएगा, और जस्ट सुजाता चौक के पास में ही है हमारा शोरूम। तो सुजाता चौक के पास में है। तो मैम सबसे पहले ये कौन सा मॉडल है इसके बारे आप बताएं। सर ये हमारा सबसे छोटा आता है, सबसे छोटा मॉडल है, कॉम्पैक्ट। अच्छा, यानी कि सबसे छोटा यही है। हाँ, आप बाहर भी देख, सबसे ज़्यादा जो बजाज की सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी आपकी कॉम्पैक्ट में ही है। अच्छा। आप पूरे भारत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गाड़ी यही चलती है कॉम्पैक्ट। अच्छा, तो ये कितना मतलब इंजन इसका होगा, स्पेसिफिकेशन क्या होगा? ये 236 CC की इंजन है सर जी। और माइलेज वगैरह क्या मिल जाएगा? माइलेज इसमें आपको 50 का ऑन रोड मिलेगा सर। 50 का ऑन रोड मिलेगा CNG में। CNG में स्पेस कैसा है, सीटिंग कैपेसिटी? बहुत, इसमें आप 6 पैसेंजर आसानी से बैठा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और स्पेस वगैरह तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और ये जानते हैं मैम, मेंटेनेंस के बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बजाज का लेते हैं ऑटो और मेंटेनेंस ज़्यादा होगा? अगर बजाज का बात करें सर तो बजाज लो मेंटेनेंस की गाड़ी बनाती है सर। अच्छा। इसमें आपको सब एक तो मेंटेनेंस कम है, दूसरा ये माइलेज सबसे ज़्यादा देता है। ज़्यादा देता है माइलेज। बजाज का खासियत ही ये है, यही है, चाहे वो बाइक हो या ऑटो है, माइलेज अच्छा मिलता, माइलेज अच्छा मिलता है और मेंटेनेंस कम होता है। तो मैम इसका अगर अभी हम लोग लेते हैं तो लगभग ऑन रोड प्राइस क्या होगा एप्रोक्स इसका? अभी आपका 2,64,000 के आसपास में है गाड़ी का रेट। अच्छा, और मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रखे हैं मैम? अभी फेस्टिवल को देखते हुए हमारा लो डाउन पेमेंट का स्कीम चल रहा है, इसमें अगर आप 20,000 भी डाउन पेमेंट करते हैं
तो आप गाड़ी घर ले जा सकते हैं। यानी कि मात्र 20,000 में डाउन पेमेंट करके ले जा सकते हैं। बाद में हम लोग पेपर पे भी डिस्कस कर लेंगे क्या क्या पेपर लगेगा। और ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई यहाँ ऑटो लेता है तो जो भी पेपर है, जैसे फिटनेस है, इसका इंश्योरेंस है, वो अलग से बनाना पड़ता है या आप लोग प्रोवाइड करते हैं? देखिए, अभी तो आप गाड़ी अगर हम लोग के पास से लेते हैं तो सारा पेपर हम लोग देते हैं, जिसमें कि आपका रोड टैक्स होता है 15 साल का, 2 साल का फिटनेस होता है, इंश्योरेंस होता है 1 साल का, 6 महीना का पॉल्यूशन होता है, ये सारा आपका ऑन रोड प्राइस में ही इंक्लूड है। अच्छा, ऑन रोड प्राइस में ही इंक्लूड है और आप ही लोग करा करके देते हैं? बिल्कुल, ये आपका इसी में इंक्लूड है। इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए, पेपर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट जो मॉडल है उसके बारे में जानते हैं। तो मेरे ख्याल से मैम ये दोनों सेम मॉडल है ना? उसके बाद इसके बारे में बताइएगा, ये कौन सा मॉडल है? ये हमारा मीडियम साइज का गाड़ी है, यानी उससे ये बड़ा हो गया। इसको हम लोग मैक्सिमा जेड बोलते हैं। अच्छा, और इसमें आपका सीटिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा है। उसमें आप जहाँ 6 पैसेंजर बैठा सकते हैं, इसमें लगभग आप 8 पैसेंजर 10 पैसेंजर अगर इसमें काम करवाते हैं फैब्रिकेशन का, तो आराम से इसमें 10 से 11 पैसेंजर आप बैठा सकते हैं जी। और इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट सेम है 236 सीसी की इंजन ये भी है, सेम है। तो हम लोग माइलेज भी सेम मान सकते हैं? नहीं, माइलेज सेम नहीं है। उसमें आपको जहाँ 50-55 का माइलेज देता है कॉम्पैक्ट में, वही इसका माइलेज 45-50 देता है। यानी कि लोड कैपेसिटी की वजह से थोड़ा माइलेज कम हो जाता है। जी बिल्कुल। तो चलिए, माइलेज आप लोगों ने जान ही लिया और मेंटेनेंस मैम बता ही दिए हैं। तो हम लोग इसका ऑन रोड प्राइस जान लेते हैं कि रांची में हम लोग को कितना मिलने वाला है। ये 2,28,000 के आसपास में हो जाएगा। बिल्कुल। और मैम, मिनिमम डाउन पेमेंट इसका क्या है? इसमें अगर आप 40,000 दे रहे हैं तो भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। चलिए ठीक है, यानी कि आप 40,000 लेकर के आएँ और उसके बाद डाउन पेमेंट दे करके बिल्कुल गाड़ी ले जा सकते हैं। और इसके बारे में जानते हैं मैम, ये कौन सा मॉडल है? ये हमारी सबसे बड़ी गाड़ी है सर। अच्छा, इसको हम लोग एक्स वाइड बोलते हैं, मैक्सिमा वाइडर। अच्छा, और ये सीटिंग कैपेसिटी में भी दोनों से ज़्यादा है, यानी कि सबसे छोटा वाला और मैक्सिमा से ये ज़्यादा स्पेस मिलने वाला। और एक इसमें प्लस पॉइंट है, ये दोनों से ज़्यादा इसमें CNG का कैपेसिटी है। अच्छा, ये डबल सिलेंडर के साथ में आता है, ज़्यादा CNG भरवा सकते हैं जी। और इसका माइलेज क्या मिल जाएगा मैम? इसमें आपको 40-45 का एवरेज देगा सर। 40-45 का एवरेज मिल जाएगा जी। और मेंटेनेंस वगैरह तो हम लोग जान ही लिए। लो है आपका, तीनों मॉडल में खासियत ये है कि तीनों में आपको डबल फ्यूल मिलेगा। अच्छा। मतलब पेट्रोल और CNG दोनों इंक्लूड दोनों का ऑप्शन है। और सबसे अच्छा बात इसमें क्या है, अभी जो नया आया है इसमें अच्छा बात ये है कि आपका FI सिस्टम दोनों में लगा हुआ है, जिससे कि बेनिफिट मिलता है कस्टमर को, माइलेज के हिसाब से पिकअप के हिसाब से। और कभी आपको ट्यूनिंग का समस्या नहीं होता। तो ये सारा और मॉडिफाई करके ये गाड़ी आई, यानी कि BS6 है तो FI हो गया है, यानी कि फ्यूल इंजेक्टेड है और ट्यूनिंग करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैम बता रही है, माइलेज वगैरह अच्छा मिलेगा, पिकअप भी अच्छा मिलेगा जी। तो इसका क्या प्राइस है मैम? इसका ऑन रोड अभी 3,08,000 पड़ेगा सर। ऑन रोड 3,08,000। और इसका मिनिमम डाउन पेमेंट क्या है? इसमें आपको कम से कम 60,000 डाउन पेमेंट करना होगा। इसमें 60,000 लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा, ये तो हो गया मैम पैसेंजर व्हीकल जी। अब बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है डाला वाला, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में डाला टेम्पो कहते हैं जी। तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या प्राइस है, अगर ये कितना लोड लेके चल सकता है? इसमें अभी हमारा ऑफर चल रहा है फेस्टिवल को देखते हुए, अभी आप सिर्फ 10,000 डाउन पेमेंट करके ले जा सकते हैं। मतलब 10,000 डाउन पेमेंट करके ले जा सकते हैं। अभी फेस्टिवल को देखते हुए ये ऑफर आया हुआ है 0 डाउन पेमेंट पे, जिसमें सिर्फ आपको 10,000 डाउन पेमेंट करना है और गाड़ी आप ले जा सकते हैं। इसका ऑन रोड प्राइस क्या है मैम? इसमें आपको 3,29,000 ऑन रोड प्राइस है। और इसका लोड कैपेसिटी के बारे में इसमें आप डेढ़ टन लोड कर सकते हैं। इसका जो डाला वगैरह है वो सब मजबूत है? बिल्कुल, आप बजाज का अगर गाड़ी देखते हैं, चाहे वो पैसेंजर हो या डाला हो, मजबूती के मामले में बहुत अच्छा होता है। दूसरा, हमारा डबल सॉकर होता है गाड़ी में, आप डेढ़ टन लोड करके भी बहुत आसानी से गाड़ी चल सकते हैं। लेकिन कभी आपका गाड़ी आगे से उठने का भी समस्या नहीं है, क्योंकि डाला में यही चीज़ रहता है। और एक चीज़ ये भी है
कि बहुत सारा लोग इसको यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर में जल्दी रस्टिंग का तो किसी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, आप लोगों ने सब कुछ जान लिया। इसका अगर लोड लेके चले तो क्या माइलेज मिल जाएगा मैम? इसमें आपको वही 25 से 28 का ऑन रोड मिलता है अगर आप माल के साथ में चलते हैं तो। ये सीएनजी में है या पेट्रोल? ये डीजल में है, पर इसका सीएनजी भी वर्जन भी आता है। आता है ये डीजल में? ये डीजल में है। बस सीएनजी में आपको थोड़ा सा, अगर आप टाउन के अंदर चल रहे हैं और आपका लोडिंग कैपेसिटी जैसे आपका चिप्स है, कुरकुरे है या केक वगैरह है, हाँ, या मिल्क वैन में भी आप सीएनजी गाड़ी यूज कर सकते हैं, उसमें आपका लोडिंग कैपेसिटी एक टंग तक चला जाता है। चला जाता जी। है जी। चलिए, तो जान लिए ये डीजल है, माइलेज वगैरह जान लिए, तो डीजल का भी मेंटेनेंस कैसा रहता है मैम? हमारा डीजल गाड़ी में भी ये लो मेंटेनेंस में है। लो मेंटेनेंस जी। चलिए, उसके बाद देखते हैं कि एक और मॉडल है, दोनों सेम है या अलग है मैम? यही, इसी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसका सीएनजी भी आता है। ये हमारा डीजल है और ये हमारा, अच्छा, ये सीएनजी है। गाड़ी बिल्कुल वैसा ही है, बस लोडिंग का थोड़ा सा है कि इसमें आप 1.5 टन जहाँ लोड कर सकते हैं वहाँ आपका एक टन लोड कर सकते हैं। तो सीएनजी में इसका माइलेज क्या मिल जाएगा? सीएनजी का आपका माइलेज अच्छा है सर, इसमें आपको 35 से 40 का देगा एवरेज। 35 से 40 का एवरेज मिल जाएगा। और ये जानना था कि इसका क्या प्राइस है ऑन रोड? इसका ऑन रोड आपका 2.95 पड़ेगा सर। 2.95, यानी डीजल वाला का ज़्यादा है, सीएनजी का कम है। कम है। और इसमें माइलेज भी ज़्यादा मिल जाएगा। उसका डाउन पेमेंट तो हम लोग जान लिए कि 10,000 है जी। इसका डाउन पेमेंट क्या होने वाला है? आपको मिनिमम 40,000 तक डाउन पेमेंट करना होगा। अच्छा, सीएनजी में 40,000 तक मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा। और अगर मैं मान लीजिए सब कुछ डिटेल तो बता दिए, जैसे वो आपका पैसेंजर व्हीकल हो गया, ये सबसे छोटा मॉडल हो गया आपका, उसके बाद मॉडल बढ़ते गया, पैसेंजर का कैपेसिटी बढ़ते गया, यहाँ पे आपका डीजल वाला है जिसको हम लोग डाला टेम्पो कहते हैं, और ये सीएनजी वाला डाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि डाउन पेमेंट क्या लगेगा। फाइनेंस के बारे में भी जान लेते हैं कि पेपर क्या लगेगा। तो मैम, क्या क्या पेपर लगेगा? पेपर में जो नॉर्मल KYC होता है, जिसमें आधार, पैन, वोटर है, वो लगेगा। अपना घर है तो बिजली बिल लगेगा। और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो गारंटर लगेगा। गारंटर, क्योंकि ऑटो में बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं देखा जाता है, क्योंकि लोग लेते हैं और अपना घर चलाने के लिए लेते हैं। ये लग्जरी कार तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट होता है। फिर भी अगर आपको बाकी डिटेल जानना होगा, यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ रहेगा और डिस्प्ले में भी नंबर आ रहा होगा, वहाँ आप कॉन्टेक्ट करके बाकी डिटेल जान सकते हैं। और अगर आप रांची से हैं, झारखंड से हैं, या फिर मैम बिहार से है जी, तो आसपास में है अगर, तो विजिट कीजिए, मैम से मिलिए, बाकी डिटेल लीजिए। और अभी जो मिनिमम डाउन पेमेंट का ऑफर चल रहा है उसका लाभ लीजिए। और ये कह सकते हैं कि लास्ट में जो वीडियो बनाए थे, बाहर से बहुत कॉल आया था, हाँ, तो वो रिक्वेस्ट है कि जो अदर स्टेट से है वो कॉल ना करें, उससे आप लोगों को दिक्कत होगा, यहाँ से पेपर भी नहीं बन पाएगा अदर स्टेट के लिए, और अगर बनता भी है तो बहुत फिनांस में भी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, और मैम बहुत अच्छा डिटेल बताएं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जिन लोगों को भी लेना होगा, यहाँ विजिट करें, मैम से बात करें, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टेक्ट करके डिटेल पूछ सकते हैं। और आप लोगों के लिए इसी तरीके का और भी वीडियो लाया करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।